हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुषमा कुहार, एसके व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज के व्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी हेयर रेमेडी, जिसे मैं अभी बनाने वाली हूँ और बनाकर अपने बालों में लगाऊंगी। इस रेमेडी को लगाने से बाल कुदरती काले होते हैं, बालों का झड़ना बंद हो जाता है और बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है, और ये बिल्कुल नेचुरल है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक जूटी हरा धनिया, और इस धनिया को मैंने एक घंटा पहले 2 से 3 बार साफ पानी में धोकर इस टोकरी में डाल के रख दिया था, जिससे इसका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से निकल चुका है। और फिर लिया है मैंने ये एक एलोवेरा का टुकड़ा। इस एलोवेरा के पौधे मैंने घर में ही लगाए हुए हैं। अगर आपके घर में एलोवेरा के पौधे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से मार्केट से ये एलोवेरा जेल ले लीजिए। मार्केट में एलोवेरा जेल आसानी से मिल जाती है। और फिर ले लीजिए आप विटामिन ए का एक कैप्सूल। अब आपको क्या करना है, ये जो हरा धनिया है इसमें से ये जो पीछे की मोटी जड़ होती हैं और जो इसमें पीले पत्ते होते हैं, सूखे तिनके वगैरह होते हैं, वो अलग कर दीजिए। और डंडी समेत, देखिए ये जो लंबे वाली डंडी होती है, इसके समेत इस धनिया को तोड़कर अलग कर लीजिएगा। तो ये सारा धनिया मैंने तोड़ के अलग किया हुआ है। और फिर इसको देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। ये थोड़ा सा मैंने काट लिया है और इस बाकी को भी मैं काट लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस सारे धनिये को बारीक बारीक काट लिया है। इस तरह से आप इसको काट लीजिएगा। ये काटने के बाद अगर आपके पास ये वाली जेल है तो इसको आपने क्या करना है, ये जो ऊपर से इसका मोटे वाला छिलका है इसको ऐसे छील के उतार देना है। और अगर आपके पास ये वाली जेल नहीं है तो ये हमने पहले इसका रस निकालना है और ये हमने बाद में मिलानी होती है। और अगर ये वाली हो तो इसको आप इस तरह से छील लीजिए और छील के इसे छोटे छोटे टुकड़े इसी में काट लीजिए। ये देखिए, छीलने के बाद इसमें से ऐसे व्हाइट व्हाइट सा पल्प निकलेगा और इसको आपने बारीक बारीक इसी में काट देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये धनिया और ये एलोवेरा के जो मैंने छील लिया था इसको काट के मैंने एक जगह कर लिया है। अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। इसमें से हमने रस निकालना है। अगर आपके बाल जो है लंबे हो तो पूरी जूटी ले लीजिए हरे धनिये की, और अगर आपके बालों की लेंथ कम हो तो आप आधी जूटी ले लीजिएगा, क्योंकि पूरी जूटी अगर आप लेती हैं तो उसमें से जो रस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने अपने बालों के अकॉर्डिंग ये पूरी जूटी ली है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जिस हिसाब से आपके बाल लंबे हों उसी हिसाब से आप धनिये की मात्रा ले लीजिएगा। और इस सारे धनिये को और ये जो मैंने इसमें एलोवेरा काटी थी, इनको इसमें मिक्सी के जार में भर लूंगी। अगर आपके जार में ये एक बार में पिस जाता है तो एक बार में पीस लीजिए, और अगर एक बार में ये नहीं पिसता है अच्छे से तो 2 बार डाल के इसे बारीक पीस लीजिए। बिल्कुल इसका महीन पेस्ट होना चाहिए जिसमें से रस आसानी से निकल जाए। तो मैं इसे पहले पीस लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका बहुत अच्छे से पेस्ट बन चुका है। अगर आपका धनिया थोड़ा सा गीला हो जब आपने काटा हो तो इसमें पानी डालने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और धनिया बिल्कुल पानी उसका अच्छे से निकल गया हो और वो सूख गया हो तो आप इसको पीसते टाइम सिर्फ 1 चम्मच पानी डाल सकती हैं, ज्यादा नहीं। तो इसमें मैंने सिर्फ 1 चम्मच पानी डाल के इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है, और अब इसे मैं छान लूंगी क्योंकि इसमें जो रस निकलेगा वो हमें इसमें से अलग करना है। ये देख लीजिएगा, इसको मैंने, ये मेरी जो है आटा छानने वाली छलनी है मोटे तार की, इसमें मैंने सारे पल्प को निकाल लिया है इसके अंदर से। और अगर आपके पास चाय छानने वाली छलनी हो मोटे तार वाली तो उसमें भी आप इसे निकाल सकती हैं। और इसमें निकालने के बाद इसे ऐसे दबा दबा कर इसके अंदर से ये जितना भी रस है ये सारा निकाल दीजिए। ये देख लीजिए, इसको जब आप इस तरह से दबाएंगे तो ये निकल जाएगा। ऐसे दबाना है इसको, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे निकालना चाहेंगे तो ये नहीं निकलेगा। इस छलनी के ऊपर हम जब इसको ऐसे दबाएंगे तो इसमें जितना भी ये रस है ये सारा ऐसे निकल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये रस निकल चुका है। अब इसे एक बार बारीक छलनी में से छान दीजिए। मैं इसे एक बार इस वाली छलनी में से छान दूंगी। ये देखिए, ऐसे करके इसको इसमें से छान देंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इस बारीक छलनी में से भी छान दिया है, जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत इसके अंदर मोटे वाला जो कचरा था वो भी ऊपर आ गया है। फ्रेंड्स कैसे करना, मेरे पास जो एलोवेरा थी वो नेचुरल पौधे से मैंने ली थी, तो वो बीच में ही मैंने उसको छील के काट के इसी के अंदर पीस लिया है। लेकिन अगर आपके पास वो वाली जेल ना हो तो पहले आप धनिए को इस तरह से पीस के इसका रस निकाल लीजिए, और फिर ये वाली जो जेल है 1 चम्मच इस तरह से वाली जेल लीजिए और ये रस के अंदर मिला दीजिए। और फिर ये वाला जो कैप्सूल है एलोवेरा का है लिया है मैंने, आप कोई भी फ्लेवर ले लीजिए जो आपको पसंद हो, इसे इस तरह से ऊपर से ऐसे तोड़ लीजिए, ये आसानी से टूट जाता है, और इसे इसके अंदर ऐसे डाल दीजिए। ये पूरा ही मिला लीजिए इसके अंदर, ये नुकसान नहीं करेगा, बहुत ही अच्छा है, इससे बाल बहुत स्मूथ हो जाते हैं। ये करने के बाद आप इसे अच्छे से ऐसे मिला लीजिए। अब इसको बालों में कैसे लगाना है चलिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेमेडी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब इसे बालों में कैसे लगाना है, बालों को इस तरह से आप खोल लीजिए और फिर इसे उंगली के पोरों पर ऐसे लगाइएगा और बालों की जड़ों में इस तरह से रमा दीजिएगा। हल्के हल्के हाथों से इसकी बालों की जड़ों में आपने मालिश करनी है, ज्यादा नहीं रगड़ना है। थोड़े थोड़े बाल इस तरह से हटाते जाइए, उंगली के पोरों पर ऐसे लगाइए और इसको ऐसे मालिश कर लीजिए। सबसे पहले आपको इसे जड़ों में लगाना है, तो मैं ऐसे करके पहले पूरे सिर में इसे लगा लेती हूँ। और इसको आपने जो बालों की जड़ों में लगाना वो इस तरीके से लगाना है कि जो बालों की जड़ें हैं वो नीचे से बिल्कुल गीली हो जानी चाहिए आपकी, मतलब सूखी नहीं रहनी चाहिए। ऐसे नहीं लगाना जैसे कि हम ऑयल लगाते हैं, जैसे कि ये पूरी जड़ें जो नीचे से हैं वो गीली हो जानी चाहिए। तभी तो मैंने ये इतना हरा धनिया लिया था कि पूरी एक जुट्टी ली थी, तो एक जुट्टी हरे धनिए में ये आधी कटोरी से ऊपर का ये रस हो गया था, कुछ इसमें एलोवेरा जेल मिली हुई है। तो अब इसको ऐसे कर लेना, जब आप इसे लगाएंगे तो सिर बिल्कुल ठंडा ठंडा सा होने लग जाएगा आपका, क्योंकि जड़ें सारी गीली हो जाएंगे। तो आप इसे लगाकर 1 आध घंटा धूप में भी बैठ सकती हैं। इसे आपको 2 घंटे तक, कम से कम 2 घंटे तक बालों पे रखना है। अगर 3 से 4 घंटे रख सकती हैं तो अच्छी बात है, मैं इसे 2 से 2.5 घंटे रखूंगी। जड़ों में तो ये अच्छे से लग चुका है, अब बच गया हमारा ये वाला हिस्सा। अब हमने इसमें भी ऐसे ही लगाना है, जैसे ऑयल लेते हैं ऐसे मैं इसे हाथ पर लूंगी और ऐसे ऐसे करके इसे बालों पर ऐसे लगा लोगे, पूरे बाल इसमें ऐसे हो जाएंगे जैसे बिल्कुल गीले हो गए हैं। तो मैं इसे पूरा अच्छे से इन बालों में लगा लेती हूँ। सबसे पहले जड़ों में लगा लीजिए और फिर बाकी की जो आपकी लेंथ बचे इसमें भी आप अच्छे से इसे लगा लीजिएगा। ये बालों को बहुत ही फायदा देता है, आप एक बार इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा, आप खुद कहेंगी कि हाँ इससे बहुत ही हमें फायदा मिला है। सर्दियों में हरा धनिया भी आसानी से मिल जाता है, गर्मियों में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आप इसे कम से कम 15 दिन में एक बार सिर में जरूर लगाएं, आपके जो बालों की झड़ने की समस्या है वो बिल्कुल आपकी खत्म हो जाएगी। जो बाल आपके बढ़ते नहीं हैं वो आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और जिनके बाल जैसे टूट जाते हैं और फिर नए बाल नहीं आते हैं वो समस्या भी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से करके मैं इसे पूरे सिर में लगा लेती हूँ और फिर बालों में कंघी करके इन्हें बांध लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, जितना भी रस था वो सारा का सारा मैंने अपने बालों में लगा लिया है, और ये जो कटोरी है इसे भी अपने बालों में ही रगड़ के साफ कर दूंगी ताकि कुछ भी इसमें से वेस्ट ना हो। तो ये सब अब लग चुका है और अब इसे 2 से 2.5 घंटे तक बालों में रखना है, कंघी कर लीजिए और फिर हल्का सा गुनगुना पानी करना है, ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए। और विदाउट शैम्पू आप बालों को धो लीजिएगा, क्योंकि एक दिन इसमें शैम्पू नहीं करना है, कल इसमें आप शैम्पू कर सकती हैं। आज इसको ऐसे ही गुनगुने पानी से 2 से 2.5 घंटे बाद धो लीजिए और कल इसे शैम्पू से आप वॉश कर लीजिए। आपके बाल बहुत सिल्की भी हो जाएंगे और आपके बालों में एकदम से जो आपके बाल टूटते हैं झड़ते हैं वो सब आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। और जैसे हेयर फॉल की ज्यादा समस्या है तो आप 15 दिन बाद फिर से दोबारा से लगा लीजिए और धीरे धीरे करके आपके बालों की ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके। तो आज के इस व्लॉग का मैं एंड यहीं पर करती हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।